हमाद अजहर साहब जो पाकिस्तान तरीके के रानुमान नौ मई बात के बाद से रूप पहुंचते आज मंदर आम पर आए हैं उनको फसल साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनका ये जो जख्म है ये हील हो जाएगा लेकिन जो जख्म आप लगाई जा रहे हैं के फेस के ऊपर नहीं मिट पाएंगे राहुल फसल जब दफ्तर आए तो यूनाइटेड नेशन का एक डेलीगेशन भी मिलने के लिए आया पाकिस्तान तरीके इंसाफ से क्या डेलीगेशन ने नहीं पूछा होगा राउू फसल ये क्या आया असलामकुम नाजरिन मेहमू आदिल निजामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल नाजिन आज की ब्लॉग में बात करेंगे जनाब हमाद अजहर साहब जो तो पाकिस्तान तरीके रानुमान नो वही वाकत के बाद से रूपोज थे आज आम पर आए हैं उनके उनके आम पर आने के फौरी बात क्या कुछ हुआ इसको डिस्कस कर लेंगे बाकी जनाब अको मुतहदा का डेलीगेशन आज पाकिस्तान तरीक के मरकजी सेक्रटेरियट गया राहुल फसल और दीगर से मुलाकात की जाने की वजह क्या थी उनकी इस टाइम में वो बताएंगे और राहुल फसल साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सारा दिन उनके साथ वाक पेश आया उसको अपने अल्फाज में बयान किया है सबसे पहले बात कर लेते हैं राउ हसन की ही पाकिस्तान तरीके साहब के तर्जुमान हैं मरकजी सियासी जमात है मरकजी है, तर्जुमान हैं इस्लाबाद में उनके ऊपर हमला हो रहा है जी सेवन के इलाके में एक होश इलाका है इस्लामाबाद हम टूरिज़म की बात करते हैं आलमी अदारे इस्लामाबाद को दुनिया का दूसरा खूबसूरत तरीन कैपिटल कहते हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में हज़ारों की तादाद में गैर मुल्की मुकीम हैं जिनमें अम्बेसडर सफारती हमला भी शामिल है फ्रीली यहाँ पे मूव कर रहे होते हैं घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं इस्लामा के अंदर अब जी सेवन के इलाका जो निसब आपका हाँ एक मतलब सेक्टर और सेक्टर्स में से है है बड़ा सिक्योर इलाका एक टीवी चैनल के दफ्तर के बाहर इंटरव्यू दे के वापिस जा रहे हैं और तीन जनाब वहां पर खाजा सरा आते हैं चार उनके ऊपर आके हमला कर देते हैं अब सवाल कुछ यहाँ पे पैदा ये होते हैं कि राव हसन की क्या अनाद होगा उनके साथ कोई उन्होंने उनके कोई फंक्शन नहीं पकड़े होंगे कोई सिग्नल पे उनकी जगह खड़े होकर भीख नहीं मांगनी होगी ना के बाद की ना कुछ और हमला किया यहाँ पर उनके बारह चौदह स्ट्रेचेज आए हैं नीचे दाएं बह लगती तो हम जान से भी जा सकते थे अब 74 इयर्स का बंदा जो अपनी बात के साथ बात कर रहा है सियासी कर सकते हैं इजार राय पर इख्तलाफ कर सकते हैं सियासी जमात के बयानी से इख्तलाफ कर सकते हैं उनके वे ऑफ टॉक से इख्तलाफ कर सकते हैं आप जाके अदालत चले जाए आप और बहुत से मामलाते हैं लेकिन इस तरह उसके ऊपर हमला करवाना अफसोसनाक और ये पाकिस्तान के लिए कोई कोई कह रहे कि नेक नामी का बायस नहीं बना ये हमला और ये कोई पाकिस्तान के लिए अब क्या इसके बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए अफसोसनाकत हाल है अब दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है एक मजाक बनकर रहेंगी बहुत सारी चीजें तीन दिन पहले भी उनको अटैम्प्टी अब आज जब राउू फसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा ये जो जख्म है ये हील हो जाएगा नो प्रॉब्लम लेकिन जो जख्म आप लगाई जा रहे हैं इस मुल्क के फेस के ऊपर चेहरे के ऊपर एक जो बदवा धब्बे लगा रहे हैं वो कभी भी नहीं मिट पाएंगे इतनी आसानी से नहीं मिट पाएंगे साथ उन्होंने ये भी कहा तो आप भी कहावेंटी फोर ईयर कैंसर सर्वाइवर एक शख्स जो है पॉलिटिक्स कर रहा है सियासत एक आ, कहने के एक मुकदस पेशा है सियासत सियासत जो है हम सियासत वो सियासत कर रहा है वो ये कर रहा है वो सियासत को तो बुरा हम कह ही नहीं सकते एक मुकदस पेशा है ये तो अः तो नेक लोगों को कहा से कहा हिस्ट्री आप खुद जा सकते हैं कि सियासी डायलॉग बातचीत ये तो नबी पाक ने भी डायलॉग किया बातचीत की सुलह देविया हमारे सामने है डेलीगेशन आते थे उनसे मिलते थे बातचीत करते थे अपना मैसेज भेजते थे उनके मैसेज रिसीव करते थे तो ये तो एक मुकदस मतलब एक काम है सियासत करना अवाम के लिए सियासत करना हाँ हमारे यहाँ सियासत के ऊपर बहस हो सकती है कि वो आवाम के लिए नहीं है कोई सियासी बात उस तरह से नहीं कर लेकिन रही लेकिन सियासत गलत चीज़ नहीं है जो हम अक्सर बोल लेते हैं आप जनाब रो रो पड़े आप दीदा हो गए कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है तो कुछ भी नहीं है बाकी जो लोगों के साथ हुआ वो इससे भी बढ़कर है अब आज राउफ हसन जब दफ्तर आए तो यूनाइटेड नेशन का एक डेलीगेशन में मिलने के लिए आया पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ये बहुत से लोग ये इस समय नॉर्मल ही था डेलीगेशन आ गए नॉर्मल नहीं था आलमी अदारे यूरोप अमेरिका यूरोपीय यूनियन यूनाइटेड नेशन वो दुनिया भर में हर जगह मुख्त चीजों पर नजर रखे हुए होते हैं फैटअप हो बाकी मामला तो हमारे नाम क्यों आते हैं फिर क्यों निकलते हैं जब हम चीजों पर काबू पा लेते हैं पाकिस्तान में जो तो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही है इस पर बड़ी बहस हो रही है बाहर हमने देखा अमरीकी पार्लियामान में भी इस पर सवाल जवाब हुए तो एक अच्छी चीज़ें इनिशिएट हुई है आ, लेकिन पाकिस्तान को बदनाम भी करने का बायस बन रही हैं चीज़ें वो दोनों जहाज इस तरह के एक्शन बदनाम कर रहे हैं जो रिएक्शन में पाकिस्तान तरीके से रिएक्शन दे रही है जिस तरह के रिएक्शन बाहर दिया गया अमेरिका में यूरोप में तो वो पाकिस्तान को बदनाम करने का बायस बना जब डेलीगेशन आया क्या सोचते हैं आप क्या डेलीगेशन ने नहीं पूछा होगा कल में पूछता है इंसान किसको मिलने गया जनाब कैसे हैं ठीक है तबीयत पूछा होगा ये राव सेहत ये, ये क्या है क्या आप स्लिप हो गए हैं घर में कोई विशेव करते हुए रेजर लग गया है कोई चीज काट गई है आपको कोई एलर्जी हो गई है क्या हुआ है आपको इतना बड़ा आपने यहाँ पे बैंडेज लगाई हुई थोड़ा डेफिनेटली तो बताया होगा जी मैं इस्लामाबाद में एक चैनल के दफ्तर गया था और मेरे मुंह के ऊपर आकर चार ख्वाजा सराहों ने आकर नामालो ख्वाजा सरा और 24 घंटे गुजर चुके हैं मुकदमा भी दर्ज हो गया है गिरफ्तार किसी ने नहीं किया उनको और कुछ दिन पहले आई के घर के बाहर से वो पी टी की केबल चोरी हुई थी तो बारह घंटे में पुलिस ने गिरफ्तार कर कर शादिया बजाए थे खुशी की और बताया कर जनाब के हमने जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फौरी तौर पर उनको पकड़ लिया तो वो जदीद टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल क्यों नहीं हुई जी सेवन चार फाजा शराब कोई वी एट उनके पास नहीं होगी शायद हो वैसे मैं ये मेरी गलत मैंने बात करी शायद हो शायद वो किसी गाड़ी शाड़ी पे आए हूँ तो लेकिन कैसे वहां से चले गए तो उधर तो बड़ी सर्वेलेंस तो में किसी जगह ये मैं आपको बता रहा हूँ किनारे आप पांच मिनट गाड़ी रोके गई थोड़ी देर बाद आपको पे जो है ना बाइक पुलिस वाले पहुंच जाएंगे तो इतनी सर्वेलेंस है इतनी सेफ सिटी जो यहाँ पे कैमरे जो लगे हुए हैं वो इतने ज्यादा इफेक्टिव हैं बड़ा जूम करके भी फोटो खींचते हैं तो अभी तक नाबुल जबान का गिरफ्तार होना और यूएन डेलीगेशन का आज वहां पर जाना तो ये सारी बातें सामने देखा कुछ दिन पहले आईएमएफ ने एक बयान दिया कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान तरीके से आपका तस्करा भी उन्होंने किया कि एक सियासी जमात को उस तरह से मामला नहीं हो पा रहे हम सोच रहे इलेक्शन का स्टेबिलिटी आएगी पाकिस्तान में ये स्टेबिलिटी क्या आ रही है मामला उल्टे खराब हो रहे हैं अब जिस टाइम राउफ हसन और उमर युग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपोजिशन लीडर साहब इसी असरा में जनाब एक रोल से एक शख्सियत दगोदार होती है जिनका नाम है हमाद अजहर साहब

अब पूरी जमानत के बाद पंजाब की अदालतों में पेश होगा अब जैसे ही ये क्लिप टीवी चैनल्स पर टिकर चले जैसे ही ये क्लिप जिनाब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ अगले दस मिनट बाद इस्लाम पुलिस की कई गाड़ियां पाकिस्तान तरीके से के मरकजी सेक्रेटेरियट पहुंचती हैं दाए बाएं अतराफ से उसको पूरा घेरे में ले लेते हैं जी हमारा हमें पेश किया जाए कहाँ है ना किसी को अंदर आने की इजाजत ना किसी को बाहर जाने की इजाजत और वहां पे और हमारा अजर बताया गया जी वो वीडियो बनवाने के फौरी बाद वहाँ से गायब हो गए चक्कर हो गए और बताया जाए जी है के पी के चले गए जहां भी चले गए अब देखे आयदा चंद दिनों में वो बुरी बेल लेकर सामने आएंगे और अदालतों में पेश होने के ऐलान देखिए अब अदालतों में क्योंकि पेश होने जा रहा है नौ में ही तो उस नोमी तो उसको बिल्कुल डिफेंड नहीं किया जा सकता जो मुल्व था उसके अंदर पाकिस्तान शरीक की थी इवन बानी पीडिया इमरान खान से लेकर कोई तंजीमीहदेदार निचली सतह तक तो उसके अंदर अगर एक्टिव था तो जिसपे केसेज हैं नौ में वाकियात के वो जिस नोयत के बने हुए हैं अगर खान साहब ने अपने कारकुनान को कहने के लाया अकॉर्डिंग टू दी एफ आई आर और किसी ने जाके एग्जीक्यूट किया स्पॉट पे जाके उसमें मुकदमा दर्ज हुआ हुआ है उसके कार्रवाई करे रायदी अदालतें मौजूद हैं प्रोसिक्यूशन करें लेकिन अगर आप कोई बंदा पेश होने के लिए आ गया है तो उसको गिरफ्तार करके गायब कर दे जिस तरह वो शायर को किया हुआ जिस तरह मोहसिन अख्तर क्या साहब के हम रिमार्क्स देख रहे हैं क्या ये अदारे की क्या ये मुल्क की नेकनामी है ये तो उल्टा बदनामी का बायस बन रहे हैं कल जो राउफ हसन के साथ हुआ उसके बाद से जिस तरह सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा है टॉक शोज हो रहे हैं जिस तरह लोग बात कर रहे हैं जार ख्याल कर रहे हैं वो किस तरफ उठ रही हैं बदनाम कौन हो रहा है ये सोचने की बात है तो मेरे ख्याल से तो ये जो ख्वाजा ने हमला किया ये तो अदारों को उसमें खुद एक्टिव होना चाहिए था कल से अब तक गिरफ्तार करके ला के देते भाई ये थे मेहरबानी करें हम नहीं थे इनको पूछे राव साहब के साथ के पैसों का उधार चल रहा था इनका राव साहब के साथ इनका जो भी मामला चल रहा था कोई राव साहब इनकी स्पॉट पे पहुंच जाते हैं कोई कपड़े शपड़े पहन के वहां शाम को भीग मांगते है तो ये इनका आपस का कंफ्लिक्ट है तो हम हमें ना इसमें लेके आए कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा तो जिस तरह मोसन क्याली साहब ने वो फरत जो शायर है उनके बारे में कहा सेक्टर को बार्डर ले और उठा रहे तो चीज़ें ठीक नहीं है मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं आलमी सतह पर पाकिस्तान की बदनामी का बास अब जब यू के लोग जो आज मिल गए हैं राउफ फसल से उन्होंने जाकर डेफिनेटली यू एन को रिपोर्टिंग की होगी कि जनाब मेन पार्टी बल्कि वो आज अतलात ये आए ही इसी रीजन से थे अब लिंग्स तो सबके हैं रूलिंग पार्टी पाकिस्तान तरीके से आप भी रही हुई है तमाम एम्बेसीज में उनके भी रवाबित हैं इंटरनेशनल उनके भी रवाबित है पीपल्स पार्टी हुकूमत में नई भी होती तो उसके रवाबित यू से लेके सऊदिया तक हर जगह नून लीग नई भी गवर्नमेंट में होती तो कतरी खत और वो सारी चीजें उनके रवाबत यू में यूरोप अमेरिका में मौजूद हैं तो वो तो रहेंगे उससे तो कोई दूसरी बिया साहब एक लंबा अरसा उन्होंने इंग्लैंड में गुजारा शहीद मतलब भुट्टो ने वहाँ गुजारा तो जब आप पावर कॉरिडोर में रह चुके होते हैं तलबुत तो आपके होते हैं तो राउू फसन पी उन्होंने भी डाफिलिटी हो सकता है कि यूज़ किया हो मैसेज किया हो कन्वे किया हो वहां से लोग आए रिपोर्ट बनाकर देंगे पाकिस्तान के बारे में तो इन सारों का क्रक्स ये है कि मुल्क को बदनाम कर रहे हैं खुदा पोलिटिकल सेटलमेंट की तरफ आए आज उन्होंने मुराद सईद के हवाले से बात की कि बहुत जल्द मुराद सईद भी हम लेकर आके मंजरेआम पर आ जाएंगे उन पर केसेस हैं उन पर अरशद शरीफ के हवाले से बहुत से मामला हैं अब आप कोर्ट में पेश करें कोर्ट से रिमांड लें रिमांड लेके प्रॉपर जो तरीका कार है किसी मुलजिम को पेश किया जाता है उसके मुताबिक जो आ, कानून है वो अपना रास्ता लेकिन किसी को वैसे उठा के लेके जाना दस दिन बीस दिन उसको टॉर्चर करना गुम कर देना तो ये चीजें मुनासिब नहीं है पाकिस्तान की नई इकनिक का बा रही और अभी जब मैं आपसे बात करूं इस टाइम ही पाकिस्तान तरीके से आपका जो मरकजी सेक्रटेरिएट है जी एट में उसके बाद पुलिस की बाहरी दफ्तरी मौजूद है थैंक यू सो मच